ठीक है देखो भाई सब लोग, तो लेट अस डिस्कस। ये जो स्टेटमेंट वन दिया है, स्टेटमेंट वन दिया है, स्टेटमेंट वन में क्या लिखा है, n इज इक्वल टू माइनस डी एन टू माइनस एन वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। और ये n के बारे में बोला है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया बोला है, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम ऑल्सो। तो यहां पे क्या आएगा, टाइम भी आएगा। समझ में आपको, मतलब इट इज व्हाट, इट इज सम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एरिया एंड टाइम। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, यस नो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया है कि नहीं, और पर यूनिट टाइम भी है कि नहीं, तो यही है इसका मीनिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर टाइम, मतलब यही तो होता है सर। ये क्लियर है कि यहां पर क्वेश्चन में लिखा है क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर टाइम, हां तो क्रॉसिंग यूनिट एरिया मतलब पर यूनिट एरिया उतना वो क्रॉस कर रहा है, अगर पर यूनिट एरिया इतना कर रहा है तभी तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया इज 5, तो 10 मीटर स्क्वायर से कितने निकलेंगे, तो n / a * 10, तब तो आप लगाओगे यूनिटरी मेथड। अगर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया बोलो या क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया बोलो, एक ही बात है, क्रॉसिंग यूनिट एरिया इज 10 इज मान लो कुछ 5। अब आपसे पूछेगा ना कि 10 मीटर स्क्वायर से कितना निकलेगा, तो क्या करोगे 5 × 10 यानी यूनिटरी मेथड, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया इंटू टोटल एरिया। जब वहां लिखा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये क्रॉसिंग यूनिट एरिया का मतलब ही क्या है, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया या पर यूनिट एरिया, वो है तो 1 मीटर स्क्वायर है कि नहीं, समझ में, तो वो इस तरह से है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, मतलब यह ऐसा नहीं होगा। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, इसका n का डायमेंशन, अब इसका तो कुछ नहीं आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, वो मोल्स में ही है, वो मॉलिक्यूल्स है, उसका कुछ नहीं आएगा। एरिया का क्या आएगा, l रेस्ट टू 2 टाइम का t रेस्ट टू 1, ये तो आपका LHS हो गया। अभी RHS में आप देखो ये क्या है, ये n2 माइनस n1 देखते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि n2 n1 क्या है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आप देख रहे हो n2 माइनस n1 का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, n2 के, वो किसके बराबर होना चाहिए n1, और वो क्या है, वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ऊपर तो डायमेंशन लेस और नीचे आएगा n रेस्ट टू 3, मिल गया आपको इसका डायमेंशन। अब आ जाओ नीचे, नीचे बताया कि x1 x2 पोजीशन है, x1 x2 क्या है, पोजीशन है, तो फिर वो जो नीचे है आपका ये वाला टर्म x2 माइनस x1 का जो डायमेंशन इक्वेशन होगा इसके बराबर होगा x2 के, इसके बराबर होगा और वो किसके बराबर होगा l रेस्ट टू 1 के। और अब आपको इसका डायमेंशन इक्वेशन निकालना है और वो चेक करना है कि वो क्या आता है, और वो अगर ये आ जाता है तो इक्वेशन करेक्ट है, नहीं आता तो इक्वेशन रॉन्ग है। ये पॉइंट समझ में है आपको, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या होगा, देखो आप ध्यान से देखो, तो आप इसको उधर लेके जाओ, सिर्फ डी को रखो एलएचएस में, तो इक्वेशन क्या होगा, माइनस एन इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एन टू माइनस एन वन, होगा कि नहीं होगा। अब आप ये जो आप निकाला ना एन का एन टू माइनस एन वन का, इसका ये सब आप इसमें डाल दो, जब आप इसमें डाल दोगे तो फिर आपको क्या होगा, आपको d का डायमेंशन मिलेगा। तो लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज, तो ये क्या होगा देखते हैं, तो मैं ये इतना हटा रहा हूँ, ओके, तो ये आ जाएगा आपका d का डायमेंशन आ जाएगा। अभी n का कितना आया, n का कितना आया, 1 अपॉन n टू d1, अच्छा x2 माइनस x1 का l रेज टू
और नीचे एन टू माइनस एन वन का कितना है वन अपॉन एल रेस टू थ्री, तो ऊपर चले जाएगा ठीक है करेक्ट है राइट। तो क्या हो जाएगा सब मिला के, ये आएगा एल रेस टू माइनस टू, नहीं एल रेस टू प्लस टू और टी रेस टू, ये आया ठीक है। अब हमें चेक करना है कि यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन इज सेम एज रेमिट पोटेंशियल, यस और नो, ये हमें चेक करना है। तो ये यूनिट क्या आया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया। अब आओ हम लोग चेक करते हैं पहले कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल का यूनिट होता क्या है। तो उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बाई मास, पोटेंशियल एनर्जी बाई मास। अभी पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी एनर्जी का इक्वेशन हो, एनर्जी का फॉर्म हो, उसका यूनिट यही है केजी मीटर स्क्वायर पर डिवाइड बाई मास। मास का क्या होगा, ये कैंसिल होगा, इसका यूनिट क्या आया पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो यहाँ दिया ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये मैच हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल। लेकिन वो कह रहा है कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का जो यूनिट आएगा वो इसके बराबर हो ग्रेविटेशन पोटेंशियल के, तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। क्योंकि डिफ्यूजन जो है उसका यूनिट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया है, लेकिन इसका यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको ठीक है। तो देखो स्टूडेंट अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया था, इस क्वेश्चन में अब ध्यान से सुनो आप, हाँ ये वाला एक्सप्रेशन दिया है, ये वाला एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में सबके बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में, एन के बारे में बताया। एन के बारे में क्या बताया कि एन क्या है, तो बोला था कि एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको ऐसे लिखा जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा लिखते हैं उसको। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो प्योरली नंबर है, वो क्या रहेगा डायमेंशन लेस, तो उसका कुछ नहीं लिखा आपने, उसको लिख दिया वन। उसका डायमेंशन क्या लगा यहाँ पे वन। एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो एल रेस टू टू। टाइम का क्या होगा सेकेंड, तो टी रेस टू वन। तो ये एन समझ में आया सबको, एन का क्या होगा, चलो तो एन का काम खत्म हो गया। अभी आते हैं हम लोग एन टू माइनस एन वन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एन वन एन टू क्या है, दिया है कि n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आगे लिखा है h, अब h का भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यहां पे खत्म हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने लिख दिया उसको, पहले वर्ड्स में लिख दिया मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अभी आपको ये तो समझ में आया होगा कि जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा, इसका ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशंस ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर से डायमेंशन लेस है तो 1 डाल दिया, वॉल्यूम एल क्यूब है तो क्या डाल दिया एल क्यूब लिख दिया, समझ में क्लियर है। तो मैंने ये टर्म भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग x2 माइनस x1 पे, तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि x1 x2 पोजीशन है, x1 x2 क्या है पोजीशन, मतलब लेंथ राइट, कोई लेंथ से डिनोट किया जाएगा। तो अभी ये स्टेप भी क्लियर आपको कि x2 माइनस x1 का डायमेंशन x2 के बराबर x1 के बराबर होगा, यानी l रेस टू 1। तो ये सब मुझे मिल गया ना। अब मुझे क्या नहीं पता है, मुझे डी का नहीं पता है, तो मैं डी को निकाल ले, डी का डायमेंशन इक्वेशन निकालने के लिए मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा। तो रीअरेंजमेंट समझ में आया, ये तो बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने तो ये आ गया। और जो जो मैंने निकाला था, ये वाला और ये सब मैं इसमें डाल दूंगा, और डालने के बाद मुझे ये आंसर मिलेगा ठीक है, एल रेस टू टू टी रेस टू माइनस वन। तो मैंने ये डाला L1 डाला, ये 1 by L cube था तो ऊपर जाके हो गया L cube, है ना reciprocal। फिर सॉल्व किया ही आ रहा है, अब ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ठीक है। अब मुझे चेक करना है, क्वेश्चन में बोला था यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन, यानी ये जो d है इसका यूनिट इससे मैच होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। तो मुझे चेक करना पड़ेगा मैच होता है या नहीं होता है, मैच होता है तो स्टेटमेंट करेक्ट, नहीं होता तो स्टेटमेंट रॉन्ग। तो चलो इसका मतलब पहले मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का निकालना होगा, तो मैं पहले यहाँ पहुंच गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो हो गया u by m, u is potential energy, m is mass। तो potential energy क्या होता है kg meter square per second, अगर आपको नहीं याद है बता देता हूँ, potential energy का formula होता है mg h, तो mass का kg, acceleration का meter per second square, height का meter, तो ये meter raise to 2 हो गया, समझ में आपको। तो कोई भी form of energy होगा उसका यही होगा kg meter square per second square। नीचे ये mass है
ये क्या है मास, तो मास का क्या होगा kg, ये भी मेंशन कर देता हूं, ये था पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, ये है सिर्फ पोटेंशियल, दिस इज ओनली पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज मास, समझ में। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज दिस, ये तो बराबर आ गया, यानी ये सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि इसका यूनिट और इसका यूनिट बराबर होगा, लेकिन है क्या, नहीं है क्या, नहीं, जब नहीं है तो स्टेटमेंट क्या है, नो, यानी वन इज इनकरेक्ट एंड टू इज करेक्ट, समझ में आ गया आप लोगों को।